मैं तो एज ए गेस्ट आया हूँ बिकॉज वेनस इज लाइक माई फैमिली. आज का दौर पहला गोल्ड इज था वेनस कंपनी उनका विलय का बीच या किशोर पत्नी बोला सी रॉक में बोला हुआ था. यस तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ. कितना साल हो गया आपसे? मैं तो घायल भी हुआ, आज का अर्जुन भी हुआ, आंखें भी हुआ, शोला शबनम हुआ, पता नहीं क्या इतना बहुत पिक्चर, हबीबा भी हुआ मेरा नॉन फिल्म. आज जो आया पापा का अमेजिंग है, पापा लहरी पैसा इज ए वेरी टैलेंटेड बट थोड़ा शाई है. वो कैमरा का सामने आने के लिए थोड़ा शर्माता है. तो ऐसे भी वो नहीं है स्टेज. तो ही टोल्ड मी बस बाबा तुम जाओ, चंपक जी का फंक्शन है, मेरा गाना है. और ये गाने के लिए चंपक ने बहुत मेहनत की. मेरा जब घर में रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मैंने बात करते थे तो चंपक भी बहुत इनिशिएटिव किया इसके लिए. इतना अच्छा गाना हुआ सब इसे टीम वर्क एंड आफ्टर द सॉन्ग द पिक्चराइजेशन डायरेक्टर इतना अच्छा पिक्चर्स किया. और शहनाज फरहद सारा इतना अच्छा किया. मैं फर्स्ट टाइम देखा इतना गुड लुकिंग और गाने का जस्टिफाई किया, एक रोमांटिक गाने का जस्टिफाई किया. ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैंने पापा का म्यूजिक बोल के नहीं बोल रहा. प्रोडक्शन वैल्यू वंडरफुल. कोई आज तक तो मैं देखा नहीं कोई एक सिंगल सॉन्ग को इतना अच्छा से प्रोडक्शन वैल्यू होता है. वंडरफुल लोकेशन, वंडरफुल कोरियोग्राफी, वंडरफुल प्रोडक्शन. ऑल द बेस्ट फॉर वेनस दिस सॉन्ग जागी आंखों में. पापा इतना मेहनती लड़का है, मुझे मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ उस लड़के से. ये तो अभी एक गाना आप देखिए आगे फ्यूचर में वो कितना कमाल कर रहे हैं. और फिर जो टीम बनती है जैसे फिर उसके बाद लिरिक्स राइटर आते हैं गुलरेज साहब या सिंगर आते हैं अपने अमित मिश्रा और पापा, तो ये सब ये सारा ऑडियो का जो डिपार्टमेंट है वो इतना मजबूत बन गया. तो हमें तो गाना तो पहले हमें पता था ये गाना बहुत खूबसूरत है क्योंकि और ऊपर से दादा का आशीर्वाद है हमारे पास. क्योंकि पूरी जो हम काम कर रहे थे उसमें हम दादा की एडवाइस बराबर लेते जा रहे थे कि कहीं हम कहीं कमज़ोर तो नहीं पड़ रहे या कहीं गलत तो नहीं जा रहे. तो हमेशा इनका हमारे पर सपोर्ट रहता था कि नहीं चलो तुम सही जा रहे हो, ये सही है. तो इनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा हमारे को, सब पूरी टीम को. ये होने के बाद जब हम पिक्चराइजेशन पे गए तो भी हमने लड़की ज़ारा जो नई लड़की है उसको सिलेक्ट किया. उसने पहले भी थोड़ा काम किया हुआ, फराज ने भी थोड़ा काम किया. तो अब स्टार भी आ गए हमारे पास. फिर डायरेक्टर ने इतना अच्छा खूबसूरती से लोकेशन, उसके कॉस्ट्यूम, अपना अक्षय जैन ने उसकी कोरियोग्राफी, मतलब हर डिपार्टमेंट ने अपना बेस्ट देंगे तो ही ये प्रोडक्शन होता है. यू नो पैसे से शूट नहीं होता है. आप देखिए पैसा तो आप एक कितने करोड़ों रुपये लगा दें फिर भी गाने में जान नहीं आता. यू नो तो मेरे कहने का मतलब एक तो सोल सबका लगा रहता है और कंबाइंड टीम होती है. पैसा कोई वैल्यू ज़्यादा रख, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना नहीं है कि फिर अगर आपका डिपार्टमेंट ही कमज़ोर है तो पैसा कुछ नहीं कर सकता. मेन सॉन्ग है भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्रीय पुरुष है. हिमालय जिसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है, हम जिएंगे तो इसके लिए, बढ़ेंगे तो इसके लिए. डेफिनेटली पापा के साथ तो मुझे बहुत काम करना है, तो शुरुआत हुई है जस्ट से स्टार्ट. और स्टार्ट इतना खूबसूरत हुआ है तो आप देखिए अंजाम क्या होगा. तो बहुत खूबसूरत काम है. और मैं बहुत हमेशा पापा जब मैं छोटा था तब दादा के घर पे जाता तो पापा बहुत छोटा था तो वो बहुत उसको म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है. जय वीरू तुम्हारा करेक्ट, दैट वाज अ बिग हिट. जय वीरू ऑडियो था. हाँ जय वीरू तुम्हारा था. हाँ अपने जय वीरू पापा का तैनोले तैनोले पापा का ही था. तो इतना फैमिली रिलेशन रह चुका है तो हम लोग काम बहुत घर की तरह कर सकते हैं.